नमस्कार गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है और हिस्ट्री के टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन था, ये हुआंगो इस नदी के किनारे ये बसा हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले ये जो सिविलाइजेशन था, इसकी मतलब जो डायनेस्टी थी, ठीक है, वो संग डायनेस्टी के अंडर में, मतलब ये पला बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद चौ या जौ, ठीक है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, चौ और ब्रैकेट लगा के वहां पे ऐसे जौ लिखा हुआ है। तो ऐसा इस वे में मैंने भी यहाँ पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये चौ और सौ डायनेस्टी जो है, इसने जो संग डायनेस्टी है, इसके बाद इसने इसको आगे बढ़ाया, इस सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो आते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जैसा कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा फिगर में। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं सोसाइटी। तो इस समय की सोसाइटी किस तरह की हुआ करती थी? तो इस समय की सोसाइटी में किंग सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, जैसा कि बाकी सारे सिविलाइजेशन में भी हुआ करता था। उसके बाद नोबल्स आते थे। नोबल्स वो लोग होते थे मतलब जो राजा के खास होते थे। और उसके बाद से प्रीस्ट वगैरह, जो पुजारी वगैरह लोग हुआ करते थे, वो लोग का, उन लोग का मतलब दूसरे दर्जे का सबसे बड़ा होता था। ठीक है, अब देखते हैं मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, ये सारे लोग उसके बाद आते थे। उसके नीचे इन लोग की स्थिति थी। तो फार्मर्स की आबादी इसमें याद रखिएगा सबसे ज्यादा थी। ठीक है, ऐसा बुक में भी लिख रखा है। ठीक है, तो फार्मर्स की आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा थी एज कंपेरिजन टू अदर्स। ठीक है, और सबसे बॉटम में स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव्स वही लोग जो जंग वगैरह में हारे हुए हैं या फिर दूसरे राज्य के जिन लोगों को बंदी बना लिया गया है, वो सारे स्लेव्स लोग थे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी चाइनीज सिविलाइजेशन की सोसाइटी हुआ करती थी। तो अब आते हैं हम लोग, देखते हैं ऑक्यूपेशन, ये लोग उस समय कमाते क्या थे, क्या क्या जरिया था इनके कमाने का। ठीक है, तो सबसे पहला था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसा कि आप लोग साफ देख सकते हैं कि राइस, वीट, बार्ली, सोर्गम, मिलेट, सोयाबीन और टी। टी मतलब जो चाय, ठीक है, चाय यहाँ का मुख्य, सबसे मुख्य चीज थी जिसका मतलब ये लोग वो पैदावार करते थे और इसका ट्रेड भी काफी अच्छे स्तर पे किया जाता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जब पावर छीन ली गई चार्टर एक्ट आने के बाद, तो उसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथ में चाय, जो मतलब चाइना का सबसे मुख्य व्यापार था, उसको दिया गया, मतलब एज कंपेरिजन टू, क्योंकि मतलब ब्रिटिश में और भी कंपनीज थी, तो वो सारी भी चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा हम लोग का भी शासन चले। खैर, ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपने फर्दर वीडियोज में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, अभी हम लोग एंशियंट पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, फिर आते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या था कि ये भी सबसे पहले चाइना में ही शुरू हुआ। ठीक है, और सिल्क वॉर्म का इस्तेमाल करके क्लोथ्स को बनाया जाता था। ठीक है, और भी कुछ सारी चीजें बनाई जाती थी, लेकिन मोस्टली इसका इस्तेमाल बस क्लोथ को ही बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, और इस सिल्क के बारे में मतलब जो भी जानकारी विश्व में आ जाए वो सारी चाइना से ही निकल के आई है। गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, फुटबॉल। बहुत लोग सोचते हैं कि जो फुटबॉल गेम है वो डेनमार्क से शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी कहीं बचपन में पढ़ा था कि डेनमार्क से शुरू हुआ, लेकिन वो फुटबॉल जो गेम है वो चाइना से शुरू हुआ है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कहीं आता है अगर आपके पास, तो आप मतलब फुटबॉल पर ही ऑप्शन पर जाइएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं मेटल वर्क। मेटल वर्क में का भी यहाँ पे काम किया जाता था, ये भी इनका एक ऑक्यूपेशन था। ठीक है, तो मेटल वर्क में क्या क्या ये लोग किया करते थे, ब्रोंज की कास्टिंग किया करते थे। ठीक है, और उस समय ये लोग इसमें बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके थे, तमाम तरह की ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाते थे, वेपन बनाते थे, ब्रोंज के वेसल्स बनाते थे और इसको डेकोरेट करते थे, मतलब एनिमल्स और ड्रैगन्स इस तरह की चीजों को ये लोग बनाया करते थे। ठीक है, और इनफैक्ट ड्रैगन की पूजा भी किया करते हैं वहां पे बहुत से लोग। और आयरन स्मेल्टिंग के बारे में भी ये लोग जान चुके थे। ठीक है गाइस, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, आयरन स्मेल्टिंग क्या होती है। ठीक है गाइस, अगर नहीं पता है तो पता करिए।
मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसे। अब आते हैं पॉटरी मेकिंग। तो पॉटरी मेकिंग में क्या होता है कि जो चाइनीज थे वो बहुत ही सुंदर अलग-अलग तरह के बर्तन वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो उसमें जो जिस चीज का वो इस्तेमाल करते थे वो प्रोसिलीन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वो बनाते क्या थे, जार, कप्स, बाउल्स, ये सारी चीजें वो लोग बनाया करते थे। और इन जो वेसल्स को वो लोग बनाते थे उसे चाइना वेयर मतलब चाइनीज सामान कहा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से उसका डेकोरेशन किया करते थे ये लोग पिक्चर से और कलरफुल डिजाइन से और भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके ये लोग उसको सजाते वगैरह थे। वुड वर्क में किसका, ये लोग टिम्बर का मोस्ट प्रोबेबली घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और अब जहाँ पे जैसे देख सकते हैं टिम्बर वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए ये लोग टिम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लोग द चाइनीज ऑल्सो क्राफ्ट ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वुड इनलेट विथ आइवोरी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें भी मतलब जो वुड वर्क की मदद से ये बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह भी बनाते थे, ठीक है। बहुत सारे सुंदर अलग अलग तरह के फर्नीचर्स वगैरह भी ये लोग इसी वुड वर्क की मदद से बनाया करते थे। अब आते हैं ट्रेड। तो ट्रेड ये लोग कहाँ कहाँ किया करते थे, तो ट्रेड ये बेसिकली इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, ईरान में और इंडिया, चार ऐसे मुख्य देश थे जहां पे ये लोग बेसिकली ट्रेड किया करते थे। और ट्रेड करने के लिए ये लोग कारवांस का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और सिल्क, चाइना वेयर, टी लीव्स, पेपर, ये सारी चीजें जो मेन थी इसी का ये लोग ट्रेड किया करते थे। जैसा कि सिल्क आपको अभी बता रखे हैं कि सेरीकल्चर सबसे पहले चाइना में आया, ठीक है। और ये लोग सिल्क का इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे विश्व में ये सारी चीजें फैली और सबको पता चली। चाइना वेयर जो ये बर्तन वगैरह ये लोग बनाया करते थे। टी का भी कल्टीवेशन सबसे पहले इन्हीं लोगों ने किया था, ठीक है। आई होप सो गाइस आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजन में जैसा कि अलग अलग सिविलाइजेशन में जिस तरह से लोग अलग अलग भगवान को माना करते थे, तो उसी तरह से इसमें भी ये लोग डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर को मानते थे, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में भी मानते हैं जैसे कि इंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, और मतलब हर चीज के अलग अलग हम लोगों ने भगवान बना रखे हैं। तो उसी तरह से इन लोगों ने भी अलग अलग चीजों के अपने अलग अलग भगवान बना रखे थे। लेकिन बाद में हुआ कुछ युग, जैसा कि हमारे देश में बुद्धिज्म, जैनिज्म जो धर्म था नया बाद में बना, तो बिल्कुल उसी तरह से उधर भी कॉन्फ्यूसियनिज्म और टाओइज्म, सॉरी अगर मैं गलत स्पेल कर रहा हूं तो, ठीक है। तो ये दो धर्म बने भी वहां पे भी इस तरह से, और उनके भी इस तरह से मतलब वहां पे प्रचार वगैरह हुआ। तो इन दोनों धर्म के बारे में हम लोग जब रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे अपने फर्दर चैप्टर्स में तो डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। और प्रीस्ट वगैरह हाईली रिस्पेक्टेड हुआ करते थे इनके रिलीजन में। फिर उसके बाद से ये एक और चीज मतलब ये मानते थे कि कोई भी इंसान अगर मर गया तो वो काफी ज्यादा शक्तिशाली सोल में मतलब उसकी जो आत्मा है काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जिसकी हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह का माना करते थे, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम लोग मेजर अचीवमेंट्स। तो इनके मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या थे, तो मेजर अचीवमेंट्स में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो इनका था आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में इन लोगों ने क्या क्या कर रखा था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये 2400 किलोमीटर लंबी थी और 10,000 इसके ऊपर वॉच टावर्स थे, ठीक है। यहाँ पे गाइस वॉच टावर नहीं लिखा है, सॉरी फॉर दैट, वॉच टावर। तो यहां से वॉच टावर से होता क्या था, TCH, वॉच टावर। तो वॉच टावर से होता क्या था कि मतलब जो भी राजा के रक्षक होते थे वो लोग उस टावर से चढ़ करके अपने राज्य की निगरानी किया करते थे, ठीक है गाइस। और चाइना ने बहुत सारे पगोडाज और स्तूपाज जैसे टेंपल भी बना रखे हैं, ठीक है। तो ये भी उनका एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो स्क्रिप्ट इनकी पिक्चर्स के फॉर्म में लिखी जाती थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है गाइस वॉच टावर, ठीक है, जहां पे मैं निशान लगा रहा हूँ रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे ही वॉच टावर हुआ करते थे। ठीक है गाइस, और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट, अगर आप स्क्रिप्ट यहाँ पे देख सके तो कुछ इस तरह से ये पिक्चर्स के फॉर्म में लिखी जाती थी और ये टॉप टू बॉटम लिखी जाती थी, इसकी ये खास बात है। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट इस तरह से नहीं लिखी जाती थी, टॉप टू बॉटम लिखी जाती थी। और गाइज इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था और वो किस तरफ से किस तरफ तक लिखी जाती थी, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, ये चीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं देखे हैं वीडियो के बारे में तो जाइएगा मेरी वीडियो दोबारा उसको देखिएगा। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कंपटीशन में जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं तो स्क्रिप्ट पे। तो स्क्रिप्ट पे क्या है कि मतलब ये पिक्चर्स के फॉर्म में लिखी जाती हैं, टॉप टू बॉटम लिखी जाती हैं, और इसको लिखने के लिए बैम्बू प्लेट्स का इस्तेमाल करते थे, एनिमल बोन्स का इस्तेमाल करते थे, सिल्क क्लोथ का इस्तेमाल करते थे और ब्रश ऑफ कैमल हेयर, जो ये ऊंट का जो ये बाल होता है उसका इस्तेमाल करते थे ये लोग ब्रशिंग ब्रश करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं साइंसेज में। तो साइंस में भी ये लोग काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे। तो इन लोग के पास सोलर और लूनर कैलेंडर की पूरी जानकारी भी थी और इनके पास इन लोगों ने बना भी लिया था अपना। ठीक है, और ये लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे एक्लिप्सेस एंड अपियरेंस ऑफ कॉमेट्स, मतलब जो भी कॉमेट है। ठीक है, मतलब कॉमेट आप समझते होंगे हेवनली बॉडीज, ठीक है, जो अंतरिक्ष में घूमती हैं, तो उसके बारे में भी इन्हें काफी अच्छा ज्ञान था। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले इन लोगों ने सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया था। सिस्मोग्राफ एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसके बगल में फ्रॉक्स लगे थे, तो जब भी अर्थक्वेक आता था तो उसमें से बॉल निकल के फ्रॉक के मुंह में चली जाती थी, तो इससे इन्हें पता चल जाता था कि अब अर्थक्वेक आने वाला है। इसका आप फिगर भी नीचे देख सकते हैं सिस्मोग्राफ का, ये रहा गाइस ये हमारा सिस्मोग्राफ। ठीक है, जहां पे मैं ये निशान लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ड्रैगन के मुंह में से निकल करके ये नीचे फ्रॉग बना होगा, फ्रॉग के मुंह में बॉल चली जाती है, तो इससे इन्हें पता चल जाता था कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारे इन्वेंशन इन लोगों ने किए थे, जैसे कि गन पाउडर हो गया, व्हील बैरो हो गया, अम्ब्रेला हो गया, काइट हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों का भी इन्वेंशन देखिएगा गाइस, काइट। ठीक है, काइट का भी इन्वेंशन यहाँ चाइना में ही हुआ है। ठीक है, अम्ब्रेला का भी चाइना में ही हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद रखने हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माई चैनल और प्लीज सब्सक्राइब।